हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो सेशन। आज के सेशन में हम लोग सैटेलाइट्स एंड इट्स टाइप डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड व्हाट इज एक्चुअली सैटेलाइट। एंड ये जो वीडियोस हैं, ये जो सैटेलाइट्स का टॉपिक है, ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के पोर्शन में है। साथ ही साथ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सैटेलाइट्स के ऊपर। और स्पेस टेक्नोलॉजी पे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं आजकल, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसमें भी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वीडियो, अच्छे से देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट इनटू द टॉपिक। सो पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं आई इन द स्काई, मतलब स्काई में एक आँख। ठीक, सो सैटेलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द प्रोसेस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग। हम लोग एरियल फोटोग्राफी से भी करते हैं, वी डू थ्रू अब तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस होता है। बट जो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग होती है। सो जो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सन के अराउंड या किसी भी अदर सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है। ओके, जैसे मतलब जैसे हम जानते हैं जो हमारा अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सिमिलरली जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या ऑर्बिट कर रहा है। सो मून इज आर द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो मून है वो हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, बट ये जो सैटेलाइट है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, इट इज नॉट ह्यूमन मेड। ओके, सो तो दूसरा टाइप का सैटेलाइट होता है वो होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून है हमारा अर्थ का या और भी मून्स हैं जो हमारे अदर प्लैनेट्स के हैं। सिमिलरली जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं, मतलब जो हम इंसान बनाते हैं अपने मदद के लिए या अपने कार्य के लिए, अपने अपना काम करने के लिए, अपनी चीज़ें आसान करने के लिए, जो सैटेलाइट्स वी मेक, दैट आर नोन एज ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम इनको बोलते हैं। अब सैटेलाइट के टाइप्स, सो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट एंड नेविगेशन सैटेलाइट। ये तीन ही टाइप के सैटेलाइट्स मेन होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, एंड द फोर्थ अदर कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और लियो, जिनको हम लोग बोलते हैं। सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वील सी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस एनिमेशन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसको आप देख करके बस एक बार आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि क्या होता है बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, व्हेन एक सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के सिंक्रोनाइज्ड वे में, अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग उसका चक्कर लगा रही है, मतलब जिस स्पीड में अर्थ रोटेट कर रहा है उस स्पीड में ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसका क्या खास बात होगा कि ये जो सैटेलाइट होगा ये एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे इस सैटेलाइट में ये साउथ अमेरिका के पोर्शन पे प्रोजेक्टेड है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये हर टाइम कवर करेगा। ठीक है, हर टाइम उसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे पास भेजेगा। ठीक, सो जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ये एक स्टेशनरी मतलब रुकी हुई सैटेलाइट है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक, बिकॉज एक ही एरिया का ये कवरेज ले रहा है। ठीक, अब ये वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज हमारा अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो ये भी हमारा सैटेलाइट इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो एल्टीट्यूड होता है ये 36,000 किलोमीटर, बहुत ऊंचे हाइट पे सैटेलाइट्स को लोग प्लेस करते हैं। 24 घंटे हमारा अर्थ रोटेट होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो सैटेलाइट है ये अपना रेवोल्यूशन 24 घंटे में खत्म करता है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया एक ही एरिया की इंफॉर्मेशन दिन रात ये देता है। अब जैसे ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जो हमें दिन रात चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हमें दिन रात किसी को भी फोन करना होता है तो हम ये नहीं देखते कि रात है कि दिन है, हम लोग बस फोन उठाया और फोन कर दिया, तो या इंटरनेट चलाना है, कुछ भी जो कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम है उस सारे कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट जो होती हैं वो सब हमारी जियो स्टेशन की ऑर्बिट में होती हैं, बिकॉज 24/7 हमको उसका कवरेज चाहिए होता है। सिमिलरली वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स भी हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करते हैं, बिकॉज हमें एक पर्टिकुलर एरिया का
जो वेदर डेटा है या जो हमारा उस एरिया का वेदर फिनोमिनन्स है उनको मॉनिटर करना होता है कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी एरिया में साइक्लोन आया, बे ऑफ बंगाल में आया, तो हर घंटे घंटे पे हमारे पास अपडेट्स होते हैं उसके। व्हाई? बिकॉज हमारा जो सैटेलाइट है वो उसी एरिया को हर वक्त कवर कर रहा है। ठीक, जैसे कि आप न्यूज में देखते होंगे इनसैट की तस्वीरों के अनुसार, तो इनसैट क्या है? व्हाट इज इनसैट? इनसैट इज द सैटेलाइट ऑफ इंडिया। इनसैट क्या है? इनसैट इज अवर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इंडिया की। ठीक है, और भी अदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी है? गोएस, मीटियोसैट, इंटेलसैट, ये सब सैटेलाइट्स हैं बाहर की, बट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? इनसैट। ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं दिस दे कैन कवर, दे कवर 70 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री साउथ, ठीक, और लैटिट्यूड्स, एंड वन सैटेलाइट कैन व्यू 1/3, एक तिहाई ग्लोब ये देख सकते हैं। अब हमारी जो है वो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिमोट सेंसिंग के प्रोसेस में हम लोग इन्हीं सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑल्सो नोन एज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, और इनको हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बोल सकते हैं, या हम इनको हम लोग पोलर सैटेलाइट्स या नियर पोलर सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। क्यों नियर पोलर या पोलर बोलते हैं? बिकॉज ये जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं, अर्थ पे नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं, सो दे दैट्स वाई दे आर नोन एज पोलर ऑर्बिट्स या नियर पोलर। अगर एकदम 90 डिग्री पे करते हैं तो पोलर बोलते हैं, या रफली 90 डिग्री के आसपास करते हैं तो उसको हम नियर पोलर बोलते हैं। इनकी हाइट जो होती है देज आर अबाउट, ये बहुत नीचे हाइट पे होते हैं एज कम्पेयर टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दीज आर अबाउट 600 टू 800 किलोमीटर्स। रिविजिट टाइम इनका 24 दिन है, हर एरिया पे ये 24 दिन के बाद वापस फिर आ जाते हैं। ठीक है, एज अ नेम सजेस्ट द सन सिंक्रोनस सैटेलाइट या ऑर्बिट्स आर इन सिंक्रोनी विद द सन, दैट इज द पोजिशन इज फिक्स्ड रिलेटेड टू द सन। मतलब सन से अगर हम लोग देखेंगे, इफ वी सी फ्रॉम द सन देयर पोजीशन इज फिक्स्ड रिलेटिव टू सन, मतलब सन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो इन सैटेलाइट्स की पोजीशन फिक्स्ड है, इसलिए इनको हम लोग सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स बोलते हैं। दे ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम एज देयर सन सिंक्रोनस, क्योंकि ये सन सिंक्रोनस है इसकी वजह से एक स्पॉट पे सेम लोकल, मतलब उस एरिया का जो लोकल टाइम होगा उसी लोकल टाइम पे वो बार बार उसके ऊपर से जाएंगी। ठीक है, बिकॉज दे आर सन सिंक्रोनस। ठीक है, अब क्या टाइम है उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं हमारा केस क्या है, सन से तो ये सिंक्रोनस है बट अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो दे सीम दे आर शिफ्टिंग वेस्टवर्ड। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग वेस्टवर्ड बीनीथ इट। दिस अपेरेंट मूवमेंट अलाउ द सैटेलाइट स्वैप टू कवर अ न्यू एरिया विद ईच पास। अब जैसे इस फर्स्ट ऑर्बिट में देखते हैं, हमारी ये जो मान लीजिए यहाँ पर सैटेलाइट थी पहले, ये सैटेलाइट इधर से गई, अब पीछे गई, इधर से आके फिर यहाँ से वापस इधर आई। अब क्या हुआ, जब ये सैटेलाइट इधर जा रही थी तो उसी टाइम अर्थ हमारी रोटेट भी हो रही थी। ठीक, तो जब अर्थ रोटेट हो रही थी इधर, तो हमारा जो इस वाले पॉइंट पे सैटेलाइट था, अब जब ये दोबारा आएगी तब अर्थ यहां से थी पहले, यहां चली, बट वो उतना ही आगे क्या हो गई होगी, शिफ्ट हो गई होगी, इस वजह से अब ये सैटेलाइट इस एरिया के ऊपर आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगी, देन इट विल कम अगेन हियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर फिर से आई, अब देन यहाँ पर क्या होगा, जब दोबारा से आएगी उस पॉइंट पे तो अर्थ फिर इधर शिफ्ट हो गई होगी। ठीक, देन सिमिलरली फिर से जब एक राउंड लगा के आएगी, देन फिर जब उसी पॉइंट के पास आएगी तो फिर वो अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तब वो शिफ्ट हो गया होगा। सो दिस अपेरेंट मूवमेंट, जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो सैटेलाइट स्वात, स्वात क्या होता है, एक स्वात वो होता है कि जो सैटेलाइट है वो एक जो हमारा रोटेशन कर रही है, मतलब एक बार जब जिसके ऊपर जा रही है, मान लीजिए अगर ये हमारा अर्थ है और एक सैटेलाइट एक टाइम पे इतना एरिया कवर, इतना एरिया हमारा वो कर रही है, अपने फील्ड ऑफ व्यू में ले रही है, तो ये इसका स्वैथ होगा, इट्स स्वैथ। तो एक बार में जो सैटेलाइट का स्वैथ होगा वो हर मूवमेंट में अलग अलग होगा, ठीक, न्यू एरिया होगा। वैसे एक स्वैथ में ये हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट होगा, अब की बार जब इधर आएगी बाहर की तरफ सैटेलाइट, तो अब ये अलग दूसरा एरिया कवर करेगी, विल कवर डिफरेंट एरिया। ठीक, सो दिस इज व्हाट ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। और जैसे इसमें आप देख सकते हैं, द सैटेलाइट्स ऑर्बिट एंड रोटेशन ऑफ अर्थ वर्क टुगेदर टू अलाउ कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड वन साइकिल ऑफ ऑर्बिट। मतलब जो अर्थ का रोटेशन है, हमने आपको बताया ना, जैसे अभी इस मैप में देखिए, अगर यहां पर थी पहले सैटेलाइट, अब अर्थ इधर रोटेट हो गई,
तो अब यहाँ पर आ गई, अब इस वाले एरिया कवर किया, अब फिर अर्थ इधर रोटेट हो गई नेक्स्ट राउंड में, तो फिर यहाँ पर कवर किया, अब फिर अर्थ जब पीछे गई फिर आगे नेक्स्ट राउंड आया तो फिर अर्थ इधर मूव कर गई, रोटेट हो गई, तो यहाँ पर फिर कवर किया। तो इस हिसाब से ये जो शिफ्ट है स्वैथ में, ओके, तो इस शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि पूरे अर्थ का कवरेज हम लोग ले सकते हैं इन सैटेलाइट्स को यूज करके, ठीक है। सो दिस द सैटेलाइट्स ऑर्बिट एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ वर्क टुगेदर टू अलाउ कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस आफ्टर इट हैज कंप्लीटेड वन साइकिल ऑफ ऑर्बिट्स। एक साइकिल पूरा कंप्लीट करने के बाद, सारे ऑर्बिट्स का साइकिल कंप्लीट करने के बाद, ये इसे आप देख सकते हैं पूरा एरिया कवर कर लिया है इसने। थ्रू दिस सैटेलाइट द एंटायर ग्लोब इज कवर्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड गिव्स रेपिटेटिव कवरेज ऑन पीरियोडिक बेसिस। मतलब अब अगर यहाँ पर जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो जब नेक्स्ट साइकिल में आएगी, जब एक साइकिल पूरा पूरे अर्थ का कवर कर लिया इसने, अब जब नेक्स्ट बार आई तो अब जैसे कुछ दिनों बाद यहाँ पर है, 24 दिन बाद यहाँ पर फिर आई, देन अब इसका फिर यहाँ पर क्या होगा, हमारा नया डेटा मिल जाएगा। देन अगेन फिर 24 डेज बाद आई तो अगेन यहाँ पर हमें नया डेटा मिल जाएगा। तो हमारे पास मल्टी टेम्पोरल डेटा मिल जाता है, अलग अलग पीरियोडिक बेसिस पे हमें डेटा मिल जाता है और रेपिटेटिव कवरेज ही प्रोवाइड करते हैं। बार बार रिपीटेशन पे हम लोग देख सकते हैं, तो जो डायनेमिक चेंजेस हैं या जो हमारा टेम्पोरल डेटा है उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब दी सैटेलाइट्स इमेजरी अप्रॉक्सीमेटली कैप्चर 10:30 बजे के अलॉन्ग एक पॉइंट पे, ये जो उस एरिया का लोकल टाइम है, उस एरिया के लोकल टाइम पे 10:30 बजे के अलॉन्ग ये सैटेलाइट यहाँ पर डिसेंड होंगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये जो सैटेलाइट यहाँ से यहाँ आ रही होगी तो जब इस एरिया में आएगी यहाँ पर, तो इस एरिया में 10:30 बज रहा होगा, यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर 10:30 बज रहा होगा, और ये नॉर्थ टू साउथ डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नोड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब नीचे जाएगी, ठीक है। जब साउथ टू नॉर्थ जाएगी असेंडिंग मोड पे तो 10:30 बजे रात की बात होगी, फिर 10:30 बजे सुबह अभी डिसेंडिंग नोड की बात होगी, जब बिकॉज ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सन की एनर्जी यूज करेंगी, जब सन की एनर्जी यूज करेंगी तो उनको दिन में चाहिए होगा कवरेज, दिन का कवरेज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं ना, तो दिन में 10:30 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और रिसोर्स सैटेलाइट्स इन्हीं की पार्ट होती हैं, इसलिए हम इन लोगों को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बोलते हैं और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स बोलते हैं या पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका लैंडसैट सबसे फेमस है, स्पॉट सीरीज, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जो हमारी इंडिया की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि हमारा कार्टोसैट, रिसोर्स सैट, ये सब सैटेलाइट सीरीज हैं, नोवा, सीसैट, टेरॉस, HCMM, स्काईलैब, ये सब हमारी सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, दीज आर ऑल सन सिंक्रोनस। अब नेविगेशन सैटेलाइट्स, नेविगेशन सैटेलाइट्स तो बहुत ही, यहाँ हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इनके बारे में, जब GPS का वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग बनाएंगे इसके बारे में अच्छे से। तो नेविगेशन सैटेलाइट्स ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होती हैं, दीज आर MEO, इनको हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, देयर एल्टीट्यूड इज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं। जियो स्टेशन जी का 36,000 था, 36,000, नेविगेशन का 20,000 किलोमीटर। इतनी भी GNSS सैटेलाइट्स हैं, मतलब GPS बेस्ड सैटेलाइट्स हैं, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम जो होता है उसकी सारी सैटेलाइट्स हम लोग इसी हाइट पे, इसी ऑर्बिट में रखते हैं। मतलब जैसे हमारे फ़ोन में जो GPS है, GPS यूज़ करते हैं हम लोग, वो तो GPS जिन सैटेलाइट्स को कैच कर रहा होगा, जिन सैटेलाइट का सिग्नल कैच कर रहा होगा, वो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं नेविगेशन वाली, वो सब इस हाइट पे प्लेस होंगे, ठीक है। सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 2 to 24 hours, 2 से 24 घंटे में ये अपना ऑर्बिटल पीरियड कंप्लीट कर देते हैं। बट एंड एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 12 hours कैन बी अचीव बाय सैटेलाइट्स इन दिस रीजन, दस दिस विल अलाउ द सैटेलाइट्स टू ऑर्बिट अर्थ ट्वाइस अ डे, 12 घंटे में भी हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं, मतलब पूरे दिन में 2 बार ये अर्थ का चक्कर लगा सकते हैं। GNSS क्या होता है बेसिकली, GNSS इज द कॉन्स्टलेशन, इसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर लोकेशन। जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम में बताया कि अगर इस पॉइंट का आपको लोकेशन चाहिए तो इस पॉइंट के लिए आपको तीन सैटेलाइट्स के सिग्नल्स का डेटा कैच होना चाहिए, तभी आपकी इस पॉइंट की लोकेशन बताता है। जैसे आप मोबाइल में जैसे GPS ऑन करते हैं तो ऊपर जो नोटिफिकेशन जो होता है वहाँ पर ऐसे बन के आता है और फिर लिखा होता है, वो सर्च करता है, तुरंत नहीं आपकी लोकेशन बता देता है, इट सर्चेस फॉर द सिग्नल्स। सो वो मिनिमम 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को सर्च करता है, देन वो आपकी लोकेशन बताता है, ठीक। और जितना अच्छा फ़ोन होगा, मतलब महंगे फ़ोन में GPS की एक्यूरेसी अच्छी होती है, जैसे एप्पल या वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं
वहाँ पर जीपीएस एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। सो जितने ज़्यादा अच्छा फ़ोन होगा उतनी अच्छी आपकी जीपीएस की एक्यूरेसी होगी, ठीक है। सो ये लोग इसमें क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने जीपीएस ऑन किया या हम लोगों ने गूगल मैप्स ऑन किया, तुरंत लोकेशन नहीं आती है, इट कैचेस 3 सैटेलाइट मिनिमम का वो कैच करता है क्या हमारा सिग्नल, तब वो हमारी लोकेशन देता है। बट मिनिमम 3 होने चाहिए, बाकी और भी, जैसे यहाँ पर देखिए 8 सैटेलाइट सिग्नल कैच किया है, ठीक 7 भी हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा सैटेलाइट का सिग्नल कैच करेगा उतनी एक्यूरेसी हमारी अच्छी होगी, ठीक। तो कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, क्या होता है, वो सब लोग हम लोग आगे कभी वीडियो में पढ़ेंगे जीपीएस वाली में। तो जीएनएसएस इज अ कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट यूज फॉर रीजनल और ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। ऐसे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में जीपीएस है जो पूरे अर्थ में आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर हम नेविक की बात करें, जो हमारा इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, इंडिया ने भी अपना अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है और वो प्रैक्टिस में भी है, बहुत सारे फोन्स में नेविक यूज होने लगा है, साथ ही मिलिट्री के लिए तो यूज होता ही होता है। तो नेविक जो है हमारा वो रीजनल है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हमारा नेविगेशन सिस्टम है। सो बेसिकली उसमें क्या है, उसमें 7 सैटेलाइट्स हैं अभी। बट जीपीएस जो है हमारा, ठीक है, तो जीपीएस है यूएसए का, उसमें कितनी सैटेलाइट, 32 सैटेलाइट्स हैं अभी, और 24 सैटेलाइट चाहिए होती हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक। तो इंडिया के पास कितनी है, 7 सैटेलाइट्स है नेविक की, ठीक है, जिसमें हम लोग इंडिया का रीजनल जो पोर्शन है वहाँ पर हम लोग इसका लोकेशन या ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो जो हमारा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम और जीएनएसएस मतलब या रीजनल नेविगेशन सिस्टम हो, वो सब में हम लोग इन्हीं सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं नेविक, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, ये सब नेविगेशन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, हम लोग आगे देखेंगे जीपीएस वाले वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट्स। लो अर्थ ऑर्बिट जो हमारी होती हैं ये 200 से 2000 किलोमीटर तक होती हैं, ये बहुत ही नीचे ऑर्बिट्स में होती हैं, ठीक, ये बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, दे मूव एट वेरी हाई स्पीड एंड मे नॉट अ फिक्स स्पेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इनका जो ऑर्बिट है या जो स्पेस है वो अर्थ से फिक्स नहीं होता है, दे मूव इन अ डिफरेंट पाथ। अ नेटवर्क ऑफ लियो सैटेलाइट्स आर नीडेड फॉर ग्लोबल कवरेज एज दिस ऑर्बिट्स आर नॉट जियोस्टेशनरी। जियोस्टेशनरी नहीं होती इनकी ऑर्बिट्स, इसलिए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हमें चाहिए होती है, एक नेटवर्क चाहिए होता है लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये हमें पूरा कवरेज हो। बट अगर हमें मान लो कुछ रीजनल एरिया कवरेज चाहिए, इंडिया का मान लेते हैं, तो इंडिया कवरेज के लिए हम लोग को कुछ सैटेलाइट चाहिए होंगी ताकि वो सारे इंडिया का कवर कर सके, तो एक सैटेलाइट से काम नहीं चलता है। दीज सैटेलाइट्स आर नॉट एज पावरफुल एज मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब आगे जरा इसके बारे में जानते हैं। ड्यू टू देयर हाई स्पीड्स सैटेलाइट्स मूव इन एंड आउट ऑफ द अर्थ स्टेशन रेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक। सो डेटा इज हैंडेड ऑफ फ्रॉम वन सैटेलाइट टू अनदर टू अचीव अनइंटरप्टेड डेटा कम्युनिकेशन। क्योंकि ये बहुत तेज चलते हैं तो अर्थ का जो स्टेशन है, मतलब जैसे जो हमारा सैटेलाइट होता है उस सैटेलाइट का ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन होता है, ठीक। जो सैटेलाइट हमारा डेटा है वो एक ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पे प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन सबका जो डेटा कैप्चर होता है, जो डेटा रिसीव करता है, वो हैदराबाद में हमारा NRSC है ना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो वहीं हैदराबाद से थोड़ी दूर पे एक जगह है शादनगर, ठीक है, शादनगर में सारा हमारा ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन बना हुआ है एंड जितना भी सैटेलाइट डेटा है उसका प्रोक्योरमेंट उस शादनगर में होता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो अर्थ का रिसीविंग रेंज है, मान लो जो हमारा शादनगर का रिसीविंग है उसका जो रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज है कि इसी रेंज तक की सैटेलाइट्स का हम लोग डेटा कैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए बिकॉज इन सैटेलाइट्स की स्पीड बहुत तेज होती है जिसकी वजह से बार बार ये उसकी रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो डेटा है उसकी, इसको इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो डेटा है वो एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट को ट्रांसफर किया जाता है ताकि अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन हो। दे आर वेरी मच एनर्जी एफिशिएंट, इट टेक्स मच लेस एनर्जी टू प्लेस लोअर ऑर्बिट्स इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिट्स, ठीक है। दे आर क्वाइट चीप, ये सस्ते भी होते हैं और अदर डेटा कम्युनिकेशन मोड, सो दे आर कैन बी यूज मोर इकोनॉमिक वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अंडर डेवलप्ड एरियाज। अंडर डेवलप्ड एरियाज में हम उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं बिकॉज ये सस्ते होते हैं। दे कैन बी यूज फॉर एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क इन रिमोट टेरेन्स, जहाँ पर लैंडलाइंस को एस्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। अब इनका यूज़ क्या करते हैं, जो ज़्यादातर लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं इनको हम लोग अर्थ या स्पेस ऑब्जर्वेशन में यूज़ करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन में ये हाई स्पेशल रेजोल्यूशन का डेटा हमें देते हैं, प्लस जो स्पेस ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, आपने उसके बारे में सुना होगा, तो ISS है वो भी हमारा लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, लो अर्थ ऑर्बिट्स पे ही बना हुआ है, ठीक है।
बेस्ट एग्जाम्पल्स आर हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड द स्पॉट फैमिली ऑफ सैटेलाइट। ये सब भी क्या है, स्पॉट सीरीज क्या है, हमारी लो अर्थ ऑर्बिटिंग है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो यूज होता है डिफेंस में यूज होता है, लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स का मिलिट्री ऑब्जर्वेशन के लिए इनका यूज होता है और स्पाई सैटेलाइट्स की यूज करते हैं पर स्पाई सैटेलाइट्स जासूसी करने के लिए। जो यूएस ने ओसामा बिन लादेन के घर पे रेड करी थी, ठीक है, कि कैसे मतलब यूएस ने ओसामा बिन लादेन के घर पे रेड करके उसको मार गिराया था ना, तो कैसे पता चला था उनको वहां पर, उन्होंने इन्हीं लो अर्थ ऑर्बिट्स को यूज किया था। दे यूज दीज लियो ऑर्बिट्स सैटेलाइट्स उन्होंने, और किस लिए यूज किया था, एज अ स्पाई सैटेलाइट, रोज वहीं पर निकलती थी उनके ऊपर से एंड बार बार ऑब्जर्वेशन से उन्होंने वो इंटरप्रेट किया कि ये यहाँ पर उसका घर है एंड उन्होंने वहां पर रेड किया एंड दे किल्ड ओसामा बिन लादेन। ओके, सो लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड स्पाई सैटेलाइट्स। ओके, ये हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट, ये बहुत ही बेसिक सा है। ये क्या है, बेसिकली एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए चीजें यूज होती हैं। जैसे आप इस फिगर में या एनिमेशन में देख सकते हैं कि एक ऑर्बिट में हम लोगों ने छोड़ा, फिर उसको और उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और वो एक हमारे बड़ी ऑर्बिट में प्लेस हो गया। हाईली इलिप्टिकल होते हैं, बहुत ही इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वो मान लीजिए, मतलब जैसे इस एरिया में आप देख सकते हैं, जैसे ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो क्या है, इतना पास है सैटेलाइट का, और जो फार्देस्ट पॉइंट है वो इतनी दूर। क्लोजेस्ट पॉइंट इज एज क्लोज एज द लो अर्थ ऑर्बिट का, और जो क्लोज फार्देस्ट पॉइंट है वो इट इज एज फार एज हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो बेसिकली इनका काम क्या है, जैसे हम लोग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो कुछ कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली उनकी ऑर्बिट्स में नहीं प्लेस करते हैं, तो हम लोग इनको ट्रांसफर करते रहते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट को ट्रांसफर करते हैं। इससे एनर्जी रिलेटिवली कम यूज होती है, ठीक, इसको हम लोग होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट्स ही बोलते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बीच में पड़ते हैं। सो ये हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट्स के बारे में था। बेसिकली ये ऑर्बिट्स के बारे में भी हमारा सैटेलाइट्स के बारे में हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे के रिमोट सेंसिंग के वीडियोस देखेंगे एंड अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।